नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार, आपके साथ मैं हूं दिव्या। 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी आईआरएस भट्टी बिहार में डीजीपी के पद पर सेवा दे रहे हैं, अब वो यहां से जाना चाह रहे हैं। जी हां, आरएस भट्टी को इस बात के लिए बिहार सरकार से परमिशन भी मिल गई है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा हरी झंडी का उन्हें इंतजार है। यही वजह है कि आरएस भट्टी बिहार में अपनी सेवा दे रहे हैं। अब इस मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी को जो हटाने की चर्चा हो रही है, इससे साफ पता चल रहा है कि बिहार में प्रशासन के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। आपको बता दें कि पप्पू यादव से सवाल पूछा गया कि आखिर बिहार के डीजीपी बिहार से क्यों जाना चाहते हैं और सरकार उन्हें क्यों हटाना चाह रही है। इसका जवाब देते हुए पप्पू यादव ने कहा कि नए डीजीपी आरएस भट्टी जब पदभार संभाले थे, उसी वक्त से उन्हें खुलकर काम करने की छूट नहीं दी गई थी। आखिर सरकार में वो कौन लोग बैठे हैं जो उन्हें काम करने नहीं देना चाह रहे हैं। खैर, पप्पू यादव इस मुद्दे पर क्या कुछ कह रहे हैं, आप खुद सुनिए इस वीडियो में। और मुझे लगता है कि भट्टी जी को हटाने की जो व्यवस्था, हमें जो जानकारी है कि भट्टी जी को जो प्रतिनियुक्त था उसको यहाँ से वापस करने के लिए, रिलीव करने की जो बात चल रही है, तो इसका मतलब है कि शासन प्रशासन में कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी सही नहीं चल रहा है। आखिर भट्टी जी क्यों बिहार से जाना चाह रहे हैं, या बिहार से भट्टी जी को क्यों हटाया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और कौन व्यक्ति, मैं बार बार कहा हूं कि भट्टी जी को काम करने की फ्रीडम क्यों नहीं दी गई आज तक, ये सबसे बड़ा सवाल है। और भट्टी जी बिहार छोड़ के क्यों जा रहे हैं। वैसे बता दें, बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी केंद्र प्रतिनियुक्ति पर जा सकते हैं। बिहार में नई डीजीपी की खोज शुरू हो गई है। नए डीजीपी के लिए पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक विनय कुमार, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के डीजी आलोक राज के अलावा होमगार्ड एवं अग्निमिशन की डीजी शोभा होटकर के नाम चल रहे हैं। अगर शोभा होटकर डीजीपी बनती है तो वह बिहार की प्रथम महिला डीजीपी होंगी। हालांकि इस बारे में कोई भी अधिकारी कुछ भी बताने से मना कर रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, आलोक राज 1989 बैच के आईपीएस हैं, जबकि शोभा होटकर 1990 बैच की और विनय कुमार 1991 बैच के आईपीएस हैं। पुलिस मुख्यालय से लेकर आईपीएस व अन्य पुलिस अधिकारियों के अलावा सचिवालय में इन तीनों सीनियर आईपीएस के नामों की चर्चा जोरों पर है। सीआईएसएफ की डीजी नीना सिंह 31 जुलाई यानी बुधवार को ही रिटायर हुई है। सीआरपीएफ की डीजी अनीश दयाल सिंह को सीआईएसएफ के डीजी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी को सीआईएसएफ का नया डीजी बनाया जा सकता है, ऐसी चर्चा है। खैर, अब आरएस भट्टी को लेकर भी सियासत जो है वो गर्म है, और अब पप्पू यादव ने भी इसके पीछे की वजह का जो पूरा ठीकरा है वो नीतीश कुमार पर ही फोड़ दिया है। खैर, आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।